हमने कैपिटल ए कर लिया है, स्मॉल ए ट्रेस कर लिया है, अब स्मॉल ए हमें राइट करना है। अब कैरी ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रेड लाइन से नहीं ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक हमें क्या करना है, इसे कर्व कर्व आपको आता है, कर्व हो जाए उसके बाद ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक ही इसे हमें स्टैंडिंग करना है। ओके चलो क्या करना है, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक हमें कर्व करना है और ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक कर्व करना है और ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग। जब कर्व करते हो तो वो आपको टच करना है ऐसे स्टैंडिंग लाइन को, अगर आप टच नहीं करोगे ऐसे तो ये क्या होगा क्रॉप। ओके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कर्व स्टैंड कर्व स्टैंड कर्व स्टैंड। ओके नाउ देन वी विल इंग्लिश नोटबुक अपॉन सी राइट सी डॉट डब्ल्यू डेट और अब हमें एफ फॉर एप्पल लिखना है वो भी स्मॉल। देखो ऐसे कर्व सेंडिंग कर्व स्टैंडिंग कर्व स्टैंडिंग कर्व स्टैंडिंग, हमें ऐसे प्रॉपरली कर्व स्टैंडिंग कर्व स्टैंडिंग कर्व स्टैंडिंग करो श्रेणी बार नहीं निकालना है। ओके एवरीवन ऐसे हमें प्रॉपरली करना है, अगर आपको ऐसे करना तो आप ऐसे भी बना सकते हो, स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करवा, लेकिन करवा ब्लू लाइन को टच होना चाहिए ऐसे प्रॉपरली। ओके एवरीवन स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करो, आपको जो लेटर इजी पड़े आप वैसे बना सकते हो। अब लेटर एंड वर्ड में पार्ट वन निकालना है, उसमें ए बी टल ए कर दिया है, उसके बाद आपको स्मॉल ए वाला पेज निकालना है, सी डॉट डब्ल्यू और आज की डेट डालना है। चलो एफ फॉर एंकर, A for art, A for ant, A for an, A for ambulance, ये आपको पिक्चर्स रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे A for ant ट्रेस करना है। ट्रेस हो जाए उसके बाद आपको A for apple अपने आप लिखना है। देखो ऐसे स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करो स्टैंडिंग करो। ओके अगर आप ऐसे करो स्टैंडिंग भी बना सकते हो, आपको जैसे इजी हो वैसे बना सकते हो। ओके ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया, आपको ये ओरल करना है, राइटिंग करना है, उसके बाद आपको अच्छे से कैपिटल ए और स्मॉल ए कंप्लीट कर लेना है। ओके एवरीवन थैंक यू बाय बाय।